नमस्कार, आप देख रहे हैं यूफोरी वॉइस। जम्मू कश्मीर में अब दूसरे राज्यों के लोग भी सरकारी नौकरी कर सकेंगे। अनुच्छेद 370 और 35 ए के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर की नौकरियों में पहली बार राज्यों से बाहर के लोगों के लिए आवेदन की छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में 33 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के सभी पदों के लिए राज्य के स्थायी निवासियों की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अभी तक राज्य के स्थायी निवासी यानी कि स्टेट सब्जेक्ट की शर्त अवश्य रखी जाती थी, अर्थात आवेदनकर्ता जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थायी निवासी हो। राज्य के पुनर्गठन के बाद से नौकरियों को लेकर अभी तक नियम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। भाजपा और कई अन्य संगठन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की वकालत करते रहे हैं। वहीं कुछ लोग 15 साल से अधिक समय से राज्य में रह रहे लोगों को ही नौकरी और जमीन खरीदने का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने 33 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें सीनियर स्केल और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के अलावा टाइपिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। 33 में से 17 पद ओपन मेरिट के लिए रखे गए हैं, अर्थात स्टेट सब्जेक्ट की शर्त का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थायी निवासियों को इन पदों के लिए आवेदन अपने क्षेत्र के प्रिंसिपल जिला जज के कार्यालय में जमा कर सकेंगे। वहीं राज्य से बाहर के निवासियों को ये आवेदन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास भिजवाने होंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारियों को छुट्टियों में भी आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। इस खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।